अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहु। मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आदाब नमस्ते। इससे केवल 7 रोज हुए जेडीए डिपार्टमेंट ने फिर एक बार अपना असली चेहरा दिखाया। मेरे गुजर भाइयों को वार्ड नंबर 6 रूपनगर में आकर फिर एक बार मकान आपको मिसमार करके जमीन बोझ कर दिया। जो मकान 70 साल पहले यहाँ मौजूद थे, उस बसी हुई बस्ती को चंद ही लम्हों में उजाड़ कर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। मगर इन दरिंदों को ये मालूम नहीं कि खुदावंद करीम के सामने हमें क्या जवाब देना है। ये मेहनत का गुजर हमारे भाई हमारे उजाड़ कर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। मगर इन दरिंदों को ये मालूम नहीं कि खुदावंद करीम के सामने हमें क्या जवाब देना है। ये मेहनत कश गुजर भाई पसमंदा कौम भाव रूपर होते हैं। यही गुजर कौम जहा कश हमारे लिए दूध माया करते हैं, दूध माया करके हमारे दरवाजों पर सुबह सवेरे हाजिर हो जाते हैं और हमें दूर भ्रम करते हैं। और इस पसपंडा गुजर कौम के साथ ये स्वरूप रवा रखा जा रहा है। खुदा की लाठी पे आवाज है, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। इस गलत फहमी का खमियाजा इन जेडीए डिपार्टमेंट वालों पर भुगतना पड़ेगा। ये सौदा इन पर महंगा पड़ेगा। ये पसपंडा कौम गुजर मेरे भाई इस वक्त खुले आसमान के तले है और इधर से कोरोना का कहर भी पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा से ये मेरी दरखास्त है कि जो भी इस केस में मुलावज जो पाया गया उसकी बाकायदा इंक्वायरी की जाए। जो भी मुलाजिम इस सिलसिले में पाए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और कड़ी सी कड़ी सजा उनके खिलाफ होनी चाहिए और उन मुलाजमों के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए। वसलाम।